हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग लिंक बिटवीन फाइल, जिसमें हम कवर करेंगे हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसी के साथ में इसको जो होता है कैसे यूज़ करना होता है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हार्ड लिंक से। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तब वो सिंगल हार्ड लिंक होता है। इसका मतलब वो किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा होता है। अगर हम उस वाले फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तब जो होता है वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हम किसी फाइल का हार्ड लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया ls, तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़ाइल है। मैं जो होता है इस फाइल का हार्ड लिंक क्रिएट करने वाला, इसलिए जो होता है मैं कमांड यूज़ करूँगा ln एंड देन दी फाइल नेम एंड देन दी अनदर फाइल नेम इन विच आई वॉन्ट टू मेक इट रेफरेंस। ओके, तो अब जो होता है मैंने हार्ड लिंक जो था फाइल नेम दिया, मैंने यहाँ पर किया ls। तो जो होता है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दो फाइल क्रिएट हो गई है। अगर मुझे चेक करना है कि हार्ड लिंक है एक दूसरे के या नहीं, तब जो होता है मैं कमांड यूज़ करूँगा ls देन हाइफन il एंड देन दी फाइल नेम। ओके, तब जो होता है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये आईनोड नंबर, हाइफन आई डिनोड करता है आईनोड नंबर। तो जो होता है दोनों का आईनोड नंबर सेम है, इट मीन्स ये जो होता है हार्ड लिंक है। ओके, अगर मैं किसी भी फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन करूँगा तब जो होता है दूसरे वाले फाइल में शो करेगा। एग्जांपल vi टेस्टिंग, हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन किया आई एम नॉन नाइट। ओके, अब जो होता है मैं अगर कैड करूँगा दोनों को, तो जो होता है आप चेक कर सकते हो दोनों कंटेंट सेम है। ओके, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं मेन फाइल को डिलीट कर दूंगा जिससे जो होता है मैंने हार्ड लिंक फाइल क्रिएट की है, तब जो होता है हार्ड लिंक वाले फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल रिमूव टेस्टिंग, ओके, अगर मैं कैट करता हूँ हार्ड लिंक तो जो होता है आप चेक कर सकते हो कंटेंट रिमेन सेम। अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा लाइक आई एम नन, ओके, तो जो होता है मॉडिफाई भी हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं, लाइक जो होता है आप किसी डायरेक्टरी का हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, आप किसी फोल्डर का हार्ड लिंक क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप किसी फाइल का हार्ड लिंक क्रिएट कर रहे हो, ओके, तब जो होता है वो दोनों सेम फाइल सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से फाइल सिस्टम है, तब जो होता है आप कमांड यूज़ कर सकते हो df, df मतलब होता है डिफरेंट फाइल सिस्टम, देन एंटर। तो जो होता है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्लैश dev, ओके, स्लैश रन, स्लैश, तो ये सारे जो होते हैं फाइल सिस्टम है। आप जो होता है dev shm का कंटेंट जो होता है स्लैश वाले फोल्डर में कॉपी नहीं कर सकते, मीन्स लिंक नहीं कर सकते उसको। ओके, अब जो होता है हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्ट लिंक की तरफ। तो सॉफ्ट लिंक में क्या होता है कि आपको जो होता है फ्लैग का यूज़ करना होता है हाइफन s, हाइफन s मीन्स सिंबॉलिक या सॉफ्ट लिंक जो होता है आप डिनोट कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, जो होता है हार्ड लिंक का जो होता है सॉफ्ट लिंक क्रिएट करूँगा कौन से फोल्डर में, होम नोनाइट में। इसलिए मैं कमांड यूज़ करूँगा ln, ln मीन्स लिंक, हाइफन s, हाइफन s मतलब सॉफ्ट लिंक। ओके, मेरा जो हार्ड लिंक फाइल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, डॉक्यूमेंट में, होम नोनाइट दोनों में सेम है, तो डॉक्यूमेंट, ओके, देन दी फाइल नेम, ओके, एंड देन दी सॉफ्ट लिंक मीन्स अनदर फाइल नेम। ओके, अगर यहाँ पे करता हूँ ls हाइफन l, तब जो होता है यहाँ पे आप सॉरी ls हाइफन l सॉफ्ट लिंक, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सॉफ्ट लिंक जो होता है किसको रेफरेंस दे रहा है, डॉक्यूमेंट में एक है फाइल, हार्ड लिंक को रेफरेंस दे रहा है। अगर मैं सॉफ्ट लिंक में कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूँ तब जो होता है वो हार्ड लिंक में शो होगा। बट मैं जो होता है पहले इसका कंटेंट दिखा देता हूँ दोनों के, क्योंकि दोनों कंटेंट सेम है। ओके, यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, हेलो गाइस आई एम नो नन, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो हेलो गाइस आई एम नन। ओके, अब जो होता है मैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ नाइस टू मीट यू। ओके, अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ हार्ड लिंक को, यहाँ पे मैं कैट करता हूँ सॉफ्ट लिंक को, तब जो होता है दोनों कंटेंट सेम है। ओके, अगर मैं ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ तब जो होता है हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते,
और ना ही उसको कैट करा सकते हैं, ना ही उसके कंटेंट को हम देख सकते हैं। एग्जांपल, मैंने यहाँ से जो था हार्ड लिंक को डिलीट कर दिया। अगर यहाँ पे कैट करने की कोशिश करता हूँ सॉफ्ट लिंक का, तो इस मुझे किससे मुझे क्या कह रहा है, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। ये मुझे इसलिए कह रहा है क्योंकि जो सॉफ्ट लिंक था वो किसको रेफरेंस कर रहा था, डॉक्यूमेंट में फाइल थी हार्ड लिंक, ओके, ये उसको रेफरेंस दे रहा था। बट मैंने क्या किया, हार्ड लिंक को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से जो होता है इसको जो होता है फाइल नहीं मिल पा रहा है, ये फाइल को फेच नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो होता है मुझे ये एरर दे रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, मैंने क्या बताया था कि हम जो होता है डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर का जो होता है सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो जो होता है मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियोज़ में जाऊँगा, ls, यहाँ पर जो होता है एक फोल्डर है शॉर्ट करके, ओके, मैं जो था बट इसका पहले कंटेंट दिखा देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक फोल्डर है बेसिक कमांड करके, मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट फोल्डर का जो होता है सॉफ्ट लिंक क्रिएट करूँगा डॉक्यूमेंट में, ओके। तो ln मीन्स लिंक, हाइफन s मीन्स सिंबॉलिक लिंक, ओके। किसका क्रिएट करना है, वीडियोस का शॉर्ट में। देखो यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब होता है कि मैं 8 डायरेक्टरी बैक किया। अगर मैं 8 डायरेक्टरी बैक जाऊँगा जबी तो मैं वीडियोज़ में आ पाऊँगा, क्योंकि वीडियोज़ कहाँ पे है, होम नोनाइट में, और मैं कहाँ पर हूँ, होम नोनाइट डॉक्यूमेंट में। तब जो होता है मैं 8 डायरेक्टरी बैक गया, तो जो होता है मैं होम नोनाइट में प्रेजेंट हुआ, वहाँ पे क्या है वीडियोज़, फिर मैं वीडियोज़ में गया, वहाँ पे क्या है शॉर्ट, ओके। अब मैंने किस में शॉर्ट किया, मतलब इसको किसके साथ लिंक किया है, लिंक शॉर्ट, एंटर। तो यहाँ पर अगर मैं ls-l करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लिंक शॉर्ट किसको रेफरेंस दे रहा है, ये वीडियो शॉर्ट को, ओके। अब जो होता है अगर मैं ls करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ cd लिंक शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करता हूँ टच न्यू फाइल, ओके, अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ शॉर्ट को, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पहले क्या आ रहा था, सिर्फ बेसिक cmd, बट अब क्या आ रहा है, न्यू फाइल भी आ रहा है, और दोनों कंटेंट सेम ही रहेंगे, ओके। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।